आसमान से बरसे जलधारा की आवाज से अक्षरों का उद्भव हुआ तो प्रकृति में मौजूद कई वर्णों के मिलन से रंगों का उद्भव हुआ। इस तरह उद्भव हुए 12 रंगों में से 7 रंग ही ज्यादातर दिखने को मिलेगा। ये सभी रंग इंसान के शरीर के एक एक अंग को और एक एक रंग एक एक मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। सफेद रंग देखते ही किसी का भी मन शांत महसूस करता है। इंसान के शरीर में हृदय केसर या सिंदूर वर्ण में होता है। इंसान के शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक आनंद पर निर्भर होता है। जब भी केसर रंग देखते हैं, उस रंग के प्रभाव से इंसान के मन आध्यात्मिक भावनाओं से आनंदमय रहता है। मन संतोष तब भी होता है जब हमारी इच्छा पूर्ण होता है या हम जो सोचते हैं वो होता है। मन संतोष होने के लिए कारण है। कुछ समय बाद मन का ये संतोष भाव कम भी हो जाता है। आनंद मतलब वो है जो किसी कारण के बिना मन महसूस करता है, जिससे मन को शक्ति और नया उत्साह मिलता है। और ये आनंद कभी कम नहीं होता। ये आनंद सिर्फ सिंदूर वर्ण देखने से मिलता है। मंदिर आध्यात्मिकता का केंद्र होने से जो भी मंदिर संदर्शन करते हैं, उन्हें शांति और आनंद प्राप्त होने के लिए ही मंदिरों को सफेद और सिंदूर रंगों से रंग लेप किया जाता है। प्रतिदिन जो भी मंदिर संदर्शन करते हैं, उन्हें ये रंगों के प्रभाव से मन शांत और आनंदित रहता है। इसके कारण इंसान पूरा दिन उत्साह के साथ बिता सकता है। सुबह मंदिर दर्शन से प्राप्त हुए आनंद दिन भर होने से इंसान स्वास्थ्य भी रहता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रतिदिन मंदिर संदर्शन से इंसान के आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि और स्वास्थ्य भी रहता है। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.